गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और प्रीतम को बुला रहा है, प्रीतम का दोस्त। नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हूँ। अभी लंच की बारी है, लंच बनाने की। लेकिन आज लंच सिंपल बनेगा। आज भी कुछ दिनों से हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में जो है वो पहले ख़त्म हो इसलिए। और प्रीतम अभी ब्रेकफास्ट किया और दोस्त बुला रहे, देखो देखो भाग गया। जल्दी जल्दी खाया, जल्दी जल्दी, नहीं तो ऐसे बैठ के खाता रहता है, खाता रहता है। कुछ बातें होती है जानते हो, ऐसे बच्चा, हर बच्चा ऐसे ही खाएगा बैठे बैठे। लेकिन अगर खेलने जाने की जल्दी हो तो जल्दी खा लेते हैं। हम भी ऐसा करते थे बचपन में, खेलने जाने की जल्दी होती थी तो हम इधर बुला रहे हैं दोस्त, उधर जल्दी जल्दी खा के चलो 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 चलो, और नहीं तो हम भी बैठे रहते हैं। और आज भी कुछ रील्स बनाने का मन है, लेकिन ट्यूशन टीचर जाएंगे तब तो बनाऊंगी। और अभी देखो नहा के आई हूँ, बाल गीले हुए हैं, अच्छा नहीं दिखता, तो पहले बाल सूखे, घर के कुछ काम आगे बढ़ा लूँ। लंच तो बनाना है, सिंपल ही है लेकिन लंच तो बनाना है। ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा, देखो इतना प्यारा, जैसे मुझे ही देखता है ऐसा लगता है, मुझे मेरी ही बात सुनता है। तो ट्यूशन टीचर आएगा अभी, अभी आएगा 5 मिनट में, फिर भी वो चला गया बाहर। फिर भी अभी कुछ बोलूंगी तो बस सुनेगा तो नहीं मेरी बात, अभी मुझे ही ढूंढने जाना होगा कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा वो। और क्या, कुछ नहीं, घर की कुछ काम, घर के कुछ काम आगे बढ़ा लेती हूँ। बाल थोड़ा सूख जाए, मास्टर जी पढ़ा के चले जाए, तब देखती हूँ, अगर मन हुआ तो कुछ रील्स बनाऊंगी जी। और आज क्या बनेगा, बनेगा प्रीतम के पापा ने कुछ सब्जी निकाल के गए हैं फ्रिज से, करेला पपीता ये सब। दाल बनेगी, दाल तो बनेगी ही, चलो देखते क्या होता है सारा दिन। आप रहो मेरे साथ, देखते रहो। तो जी प्रीतम के पापा आ गए, जिनका जो ड्यूटी है लग पड़े हैं। करेला आलू के साथ सरसों डाल के बनाएंगे बोल रहे हैं। सरसों थोड़ा सा सरसों के साथ, और अंडा दाल या प्लेन दाल, और ऑमलेट बनाऊंगी आज। ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, ऐसे कम बनाती हूँ लेकिन बनाऊंगी। और पपीते का क्या करूं, पपीता दाल में ही दे देना। वो पापड़ तला था, पापड़ हो जाएगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीतम सुबह से चिल्ला रहा है, पापड़ दो पापड़ दो, नहीं हर बात पे पापड़ दो पापड़ दो, शाम को दो सुबह को दो, उसको सारा दिन पापड़ देते रहो। अभी पढ़ रहा है, तीन बार निकला है, तीन बार क्या पढ़ रहा है मुझे पता नहीं, तीन बार निकला है ये वो करके। और ये डिब्बा लाए हैं प्रीतम के पापा, अभी इसको धोकर साफ करना होगा, फिर चीजें रखेंगे। मुझे मतलब मेरे घर में जितने डिब्बे आए उतने ही कम पड़ते हैं, और मैं सोचती हूँ मैं घटाऊंगी धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े डिब्बे बना मतलब रखूंगी, इतने कम के हाथों के सामने कुछ बस हो गया काम, लेकिन होते नहीं। घर डिब्बे से घर एकदम भरा पड़ा है, सामान आते हैं ये वो तो रखना भी पड़ता है, अगर नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगा। ओ उसमें ही डाल दिया है मसाले के डिब्बे में। और क्या, चलो दाल चावल चढ़ाती हूँ फिर देखती हूँ। तो जी शुरू हो गया करेला आलू भाजी की सब्जी बनाना। प्रीतम के पापा आज सोच कर ही आए थे, मतलब हमने सोच लिया है फ्रिज में जो जो है सब धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। आज बहुत साफ हो चुका है फ्रिज, बहुत खाली हो चुका है, तीन चार दिन से आज बाजार नहीं जाने दिया उन्हें। और वो भी बोल रहे हैं तुम्हारी ही बात मानूंगा, तुम्हारी ही बात मानूंगा, ठेंगा मानेंगे, दो दिन मानेंगे, तीन दिन के दिन इतना सारा बाजार लेके हाजिर कर देंगे। और मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तब बारिश हो रही है, बिजली चमक रहे है, तो आवाज़ आप लोगों को मिलेगी, क्या करूँ बोलिए। शाम को ही मतलब ये सब काम निपटा के रखना पड़ता है, निपटा के, नहीं तो सुबह तो घर के काम ड्यूटी ये सब में ही चला जाएगा। तो मैं
शाम को हो रात को हो, ये वॉइस ओवर मतलब एडिटिंग का काम मैं कंप्लीट करके रखती हूँ। और ये थोड़ा सा ही सरसों डाला है जो मैंने सिल्वर टेप पे पीसा है, तो ये तो बन के हो जाएगा, सूखने से उतार दूँगी। और अभी रायता बनाने की बारी है जी, मेरे बच्चे को रायता बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो सोचा आज रायता भी बना लेती हूँ, दही भी, ये लास्ट डिब्बे में जो है वही लास्ट है, तो आज बनाने से ख़त्म हो जाएगा, कल लाए लाए ना लाए उनकी मर्ज़ी। और छोटे छोटे करके मैंने खीरा काट लिया है, धनिया पत्ता भी है, प्याज भी है, हरी मिर्च मैं नहीं देती क्योंकि पीतम ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा खाता है, मुँह में लग गया तो मेरे बच्चे को तीखा लग जाएगा, ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, बस रायता बन के तैयार। अब डिब्बा बंद करके मैं फ्रिज में रख दूंगी और खाने के समय निकालूंगी जी ठंडा ठंडा रायता। और ये दे दो पीतम को, पीतम को चिल्लाना नहीं पड़ता, आराम से खाना ख़त्म कर देता है, देखो कैसे बिजली चमक रही है। तो चलो ये कंप्लीट हो गया, अभी रख देती हूँ। तो जी अभी दाल की बारी है, मसूर की दाल मैंने डिब्बे में बंद करके चावल के अंदर ही दे दिया था, तो बनके तैयार ही है, मतलब बॉयल हो चुका है। अभी इसको पीतम के पापा अपने हिसाब से अच्छे से मसल मसल के क्रीम जैसा बनाएंगे। इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है 4-5, और ये देखो इसमें अभी पपीता भी डाल दिया, अच्छे से बॉयल होगा, पपीता भी नरम हो जाएंगे, तब छौंका लगाया जाएगा। तो जी पीतम के पापा को ज़्यादा भूख लगी है, मैं जुगाड़ कर रही हूँ, उसके बीच वो बैठ गए, बोल रहे हैं ज़्यादा भूख लगी है आज मुझे, बहुत भूख लगी है। तो मैंने बोला स्टार्ट कीजिए, मैं एक एक करके सब ला रही हूँ जी। ये देखिए दाल सब्जी तो आ गई है, ऑमलेट बना रही हूँ, खीरा रायता सब आ चुका है। ऑमलेट बना रही हूँ जी, ऑमलेट सब का नहाना हो चुका है, बैठ भी गए पीतम के पापा, पीछे फोन पे बातें कर रहे हैं। और पीतम के लिए क्या बनेगा? क्या पोच? हाँ पीतम के पापा के लिए और मेरे लिए ऑमलेट, और पीतम के लिए पोच। किससे बातें कर रहे हैं पीतम के पापा? कुछ समय आप बातें भी नहीं कर पा रही हूँ जी। तो चलो अंडा पोच ऑमलेट सब बनाकर लेकर जाती हूँ, फिर एक साथ सब दिखा दीजिए, फिर एंजॉय करके खाते हैं, एकदम सिंपल लंच, सिंपल खाना। पीतम पीतम रो रहा है, पीतम को मछली चाहिए। तो ये देखो पीतम का पोच भी रेडी, और दाल के साथ उसके पापा ने चावल को मिक्स कर दिया है, ये खीरा वही खाएगा बोल दिया है, मतलब ठीक है लो खा लो, तुम जो पसंद करते हो खाओ, ये दाल बहुत अच्छी बनी है आज, और ऑमलेट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन पेट दर्द करता है पता नहीं क्यों, इसलिए कम खाती हूँ। और रायता देखो आज एकदम मन पसंद रायता बना है, दही कम थी लेकिन फिर भी रायता बहुत अच्छा बना है। और पीतम और उसके पापा फ़ोन लेकर बैठते हैं, मुझे ये पसंद नहीं। तो चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ खाना, एक एक करके लेती हूँ सभी चीज़ें। पहले तो कड़वाहट कड़वा करेला खाओ, यही हमारे नियम है कि कड़वा जो होता है उससे शुरुआत करो और फिर लास्ट में मीठे से अंत करो। तो रायता कोई मीठा समझ लेती हूँ क्योंकि आज मीठा कोई घर पे है नहीं जी। तो अभी दाल ऑमलेट और रायता ये तीनों मिलाकर खाऊंगी अच्छे से बैठकर आराम से, फिर तो बर्तन धोने घर की सफाई वो तो होता ही है, फिर रेस्ट करने जाऊंगी, रोज़ ही यही रूटीन होता है। प्रीतम के पापा हेल्प करते हैं इसलिए इतनी परेशानी नहीं होती, नहीं तो ड्यूटी से आकर सब काम अगर अकेला करना पड़े तो मुश्किल हो जाती है ना, टाइम कम होता है, टाइम के हिसाब से बोल रहे हो। ऐसे सुबह से आप कहीं ना जाओ तो ठीक है, सारा दिन आप घर के काम करते रहो, कोई हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम इतना कम होता है तो दोनों मिलकर बना लेते हैं, अच्छा ही होता है, सिंपल हो या ज़्यादा कुछ बनाए सभी प्रीतम के पापा हेल्प करते हैं इसलिए कोई इतनी परेशानी होती नहीं जी। तो चलो अभी ये सिंपल लंच हम इंजॉय करते हैं, हम मतलब पीतम के पापा का हो गया, पीतम का आधा हो चुका है, अभी मैं खाऊंगी आराम से, तो रेस्ट करूंगी, फिर शाम को मिलती हूँ। आप लोगों को खाना है, अच्छा लग रहा है देखने में?
आ जाओ आ जाओ हमारे घर जल्दी से। तो जी ये देखिए हालत, जोरों की तूफान आने वाली है लग रही है। अभी पता नहीं क्या होगा। हमने पानी भर लिया है टंकी में, जो फुल हो चुका है। प्रीतम ने दोनों सोलर लाइट चार्ज कर लिए हैं बाहर। बहुत बड़ा काम कर लिया मेरे बच्चे ने। पीने का पानी भी भर लिया बस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों से मिलने। बाहर बारिश चल रही है लेकिन उतना भी नहीं। प्रीतम पापा आ गए शायद, उसे लेने ड्राइंग क्लास है जाएगा। मतलब थम भी नहीं रहा है और जोरों से हो भी नहीं रहा है। अब क्या, बारिश हो रही है, अच्छा भी लग रहा है लेकिन गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। बारिश होने लगे तो बस ये सब मन करता है। तो स्पाइसी कुछ खाओ, पकोड़े, गोलगप्पे या मोमोज, ये सब मतलब स्पाइसी कुछ खाने का बहुत मन करता है। लेकिन जी कौन ला कर देगा। मन तो था अभी मतलब प्रीतम ड्राइंग क्लास जाएगा, उसके साथ ही जाऊंगी, उसके पापा के साथ फिर खाकर आ जाऊंगी। लेकिन हुआ तो उल्टा, अभी बारिश हो रही है, मच्छर घूम रहे। देखो बारिश हो रही है तो उसके पापा तो लेकर नहीं जाएंगे जी, जितना भी बोलो लेकर नहीं जाएंगे। और जिस दिन सिंपल लंच होता है ना, एकदम सिंपल लंच, उस दिन और ज्यादा मन होता है कि शाम को कुछ जंक फूड या ये सब चाट पकोड़े ये सब खाया जाए, गोलगप्पे, बहुत ज्यादा मन होता है। मुझे तो होता है, पता नहीं आप लोगों को क्या मन होता है, सबको ही होता है। और अगर लंच भारी हो, रिच हो, तो शाम को कुछ खाने का मन नहीं करता, लगता है पानी पीकर ही रह जाओ। और आज तो एकदम ही सिंपल था और मन हो रहा है, सचमुच मन हो रहा है। बारिश नहीं होता तो प्रीतम के पापा लेकर जाते, ये नहीं कि लेकर नहीं जाते। बारिश में भीगते भीगते कौन गोलगप्पे खाने जाएगा, इसलिए बोला है कि ला देना। अगर दुकान खुले तो वो लाकर जरूर देंगे, दुकान ना खुले तो क्या करेंगे। प्रीतम मन हो रहा है फुचका खाने का, उसे तो उसको चिकन पकोड़ा खाने का मन हो रहा है। ओए होए ओए होए, फुचका नहीं मिल रही है, चिकन पकोड़ा। हाँ जाओ चले जाओ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलना सीखा है बाकुड़ा में आकर। बात बात पर, हम जब छतना में थे तो रेस्टोरेंट था ही नहीं, एक भी दो था तो उतना अच्छा खाना वाना कुछ नहीं हुआ पर। लेकिन यहाँ पर तो मतलब 5 मिनट लगता है टोटो पकड़ कर जाओ, सामने ही 3-4 अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट। तो इसको तो बल्ले बल्ले सवा सवा, बात बात पे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट लेकर जाती। लेकिन ये आदत ठीक नहीं, अगर आप रेगुलर जाने लगो ना तो और जाने का मन करेगा। सिर्फ रेस्टोरेंट का खाना ही अच्छा लगेगा, घर का खाना एकदम अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत रेयर जाते हैं हम, और पैसों की भी बहुत बर्बादी होती है। इससे तो घर में बना लो खा लो। एक दिन सोचा था और चिली चिकन बनाऊंगी, चिली चिकन और फ्राइड राइस बनाऊंगी, तो अभी तो चिकन खाना ही मना है। देखो का सब रोग हो रहा है, मुर्गी को रोग, तो डर लग रहा है। नहीं जी, ये सब जाए, फिर चिकन लाएंगे, फिर एक दिन चिली चिकन बनाएंगे। घर में बने हुए चीजों का स्वाद अलग होता है और उसी पैसे में बहुत सारा बनता है, तो आप मन भर के खा सकते हो। बाप रे हालत देखो, आज क्या रुकेगा ही नहीं। ठंडी ठंडी हवा देखो, अच्छा लग रहा है। खिड़की के पास ऐसे ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छा लगता है ना बैठे रहने। और मेरी बाल्टी है बाहर, इधर उधर कर रहा है, इधर उधर हवा में। टेबल भी गिर गया है। टेबल तो गिरेगा ही, तूफान चल रहा है, तो कैसे क्लास जाएगा पता नहीं। उसके पापा आए भी नहीं, आ सकेंगे क्या, इसमें खुद ही भीग जाएंगे। और दूसरे बच्चे लोग भी कैसे पहुंचेंगे। दूसरे बच्चे लोग मतलब आसपास के ही है। सारे बच्चे आसपास के। ओ तुम दूर के हो, बाकी सब आसपास के हैं, तो पहुंच जाएंगे। तो तुम कैसे पहुंचोगे। तो इसका आज क्लास नहीं होगा लग रहा है, लग रहा है प्रीतम का।
इतनी तूफान इतनी बारिश में कैसे उसके पापा लेकर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जी चलो आज का वीडियो मैं यही पेन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। और ये मौसम तो अभी मतलब एक दो दिन बाद ही ये मौसम देखने को मिलेगा। शाम को तूफान, बारिश, बिजली बंद, हमने तो डर के मारे सब पानी भर लिया, सोलर तो चार्ज कर ही लिया है दिन में। ये सब करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ ये सब तो आप कर लेते हो, लेकिन फोन में चार्ज प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम देखते रहते हैं फिर फोन का चार्ज खत्म हो जाता है और करंट एक दिन डेढ़ दिन बंद, तो मुश्किल हो जाती है। उसी बात पे थोड़ा डर लगता है, वरना ये मौसम तो बहुत प्यारा है जी। बारिश हो, ठंडी ठंडी हवा चले, रात को आराम से सोना हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। तो चलो टाटा।